वेलकम टू सर्विस किचन। आज मैं मटन करी बनाने जा रही हूँ। तो मटन करी के लिए ली हूँ मैं मटन 400 ग्राम। इसको मैं आधा कप दही, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और 2 चम्मच सरसों तेल से मैरिनेट करके करीब 1 घंटा रख दी थी। और उसके लिए मैं क्या मसाला ली हूँ, इसमें ली हूँ मैं 2 बड़ा प्याज जिसको मैं ऐसे काट ली हूँ, ज़्यादा बारीक से नहीं काटी हूँ, लच्छादार काटी हूँ उसको। और ली हूँ 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 टमाटर जिसको थोड़ा सा मैं ज़्यादा नहीं बारीकी से नहीं की हूँ, ऐसे टुकड़ों में काट ली हूँ टमाटर, 2 टमाटर ली हूँ। और 2 आलू को पहले से मैं बॉयल करके नमक हल्दी लगा के मैं इसको फ्राई कर ली हूँ। और ली हूँ सूखे मसाला में धनिया पाउडर 1 चम्मच, आधा चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच किचन किंग, 1 चम्मच ली हूँ गरम मसाला, ली हूँ कश्मीरी लाल मिर्च, नमक स्वाद अनुसार, चीनी बैलेंस करने के लिए, और आधी तेज पत्ता ली हूँ छौंका के लिए हूँ, 1 चम्मच हल्दी पाउडर ली हूँ। मैं ली हूँ 2 छोटे टुकड़ों में दालचीनी, आधा बड़ी इलायची, 1 छोटी इलायची और 3 चार लवंग और आधा चम्मच जीरा। मैं बनाऊँगी, कुकर में बैठा दी हूँ। अब मैं इसमें तेल दे दे रही हूँ। तेल गरम हो गया, मैं पहले छौंका दे दे रही हूँ। जीरा चटक गया है, मैं अब गैस फ्लेम को बंद कर दे रही हूँ क्योंकि ज़्यादा जल जाएगा। अब मैं ऑफ करके ये 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट दे दे रही हूँ। मैं इसको 1 सेकंड के लिए सॉटे कर ले रही हूँ। मैं ये अदरक लहसुन को सॉटे कर ली हूँ। अब मैं इसमें प्याज दे दूँगी। इसको भी मैं 2 मिनट के लिए सॉटे करके, जब तक तेल नहीं छोड़ रहा तब तक इसको फ्राई कर लूँगी। मेरा प्याज सॉटे हो गया है, देखिए तेल छोड़ दिया। अब मैं ये टमाटर जो काटी थी इसको दे दूँगी। देखिए इसको भी 1 मिनट के लिए सॉटे करके थोड़ा सा पका लूँगी टमाटर, ताकि नरम हो जाए। मेरा टमाटर थोड़ा नरम हो गया। अब मैं ये सूखे मसाला जो ली थी इसमें से धनिया, हल्दी, जीरा पाउडर और ये कश्मीरी लाल मिर्च दे दूँगी। देखिए इसको भी सॉटे कर लूँगी। थोड़ा सा 2 मिनट के लिए ढक दूँगी ताकि इसका तेल निकल जाए, मसाला अपना तेल छोड़ दे, तब तक मैं इसको ढक दूँगी। देखिए मेरा मसाला तेल छोड़ दिया है। अब मैं ये मटन छोड़ दूँगी। सॉटे कर ली हूँ करके, अब इसको मैं तेल छोड़ने तक पकाऊंगी। ये देखिए मेरा मसाला तेल छोड़ दिया है, कसाना हो गया है मसाला एकदम। देखिए मेरा एकदम कस गया है मीट। नमक, चीनी और गरम मसाला किचन किंग दे दूँगी। देखिए इसको सॉटे कर लूँगी। फिर से इसको छोड़ दूँगी थोड़ा कसने के लिए, मसाला इसमें एब्जॉर्ब हो जाए मीट पे। अब मैं इसको फिर से छोड़ दे रही हूँ।
पूरा रेडी है। देखिए पूरा तेल ऊपर आ गया, पूरा मेरा मसाला एकदम कसना हो गया मेरा मटन। अब मैं ये आलू दे दूंगी इसमें। देखिए इसको भी सॉटे कर ले रही। अब मैं इसको प्रेशर के लिए बैठा दूंगी, तो इसमें मैं पानी दे रही हूँ। इस हिसाब से पानी दीजिएगा। मैं गर्म पानी करके पहले से रखी थी, हमेशा गर्म पानी दीजिएगा। तो मैं अंदाज हिसाब से करी कर रही हूँ। बस मैं इतना ही पानी दूंगी। अब मैं इसको प्रेशर लगा दे रही हूँ। इसको बंद कर दे रही हूँ। बंद करके मीडियम फ्लेम में इसको मैं एक सीटी आने तक पकाऊंगी। ये मेरे मैं इसका प्रेशर नहीं निकालूंगी, ये इसी प्रेशर में रहेगा जब तक इसका स्टीम निकल नहीं जाता है। देखिए मेरा प्रेशर निकल गया है। अब मैं इसको ओपन कर रही हूँ। मैं मटन करी तैयार है। बॉयल भी हो गया अच्छी तरह। बॉयल भी हो गया। अब ये धनिया पत्ता है, इसको दे दे रही हूँ। ये ऑप्शनल है, दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते। मैं धनिया पत्ता दे दे रही हूँ। देखिए इसको मिला ले रही हूँ। मेरा मटन करी तैयार है। आप इसको चावल के संग परोसिए। थैंक यू। मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बगल में रखे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा।